हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2018 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट बी के क्वेश्चंस जो आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें ई की पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड का। ये कंटूर इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, जहाँ पर हमें सर्कल क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ वन माइनस जेड इक्वल टू वन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सेंटर तो है वन वन ज़ीरो और जो रेडियस है वो क्या है, वन रेडियस ये है और सेंटर यहाँ से फाइंड करते हैं हम। सेंटर किस तरह से फाइंड करते हैं, जेड की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई रख देंगे, मॉडुलस में वैल्यूज़ है और ये माइनस वन या फिर इसको माइन वन को इधर ले लो, ठीक है। तो यहाँ से जो सेंटर आएगा, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग कर लेंगे तो सेंटर क्या आएगा, वन ज़ीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो वन है और वाई के साथ में ज़ीरो है, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन, सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा जहाँ पे सेंटर है वन ज़ीरो और रेडियस है वन। तो जो सर्कल होगा वो हमारे पास इस तरह से बन गया। अब हमें फाइंड करना है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को, तो इसके लिए सबसे पहले हम जेड स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर कर लेते हैं, तो वो क्या जाएंगे, जेड प्लस वन, जेड माइनस वन। और जब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो वन अपॉन टू, क्योंकि यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर टू आएगा ना, तो उसको कैंसिल करने के लिए ये नीचे टू, ठीक है, वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन अपॉइंट टू इंटू वन अपॉइंट जेड माइनस वन माइनस वन अपॉइंट जेड प्लस वन। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ रख देना है इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, वन अपॉइंट टू इंटू वन वन अपॉइंट जेड माइनस वन माइनस वन अपॉइंट जेड प्लस वन इंटू ई की पावर जेड डी जेड। इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो एक तो इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें ये इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉइंट जेड माइनस वन डी जेड, और एक इंटीग्रेशन फाइंड करना है वन अपॉइंट जेड प्लस वन इंटू ई की पावर जेड डी जेड। तो इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिडू। तो यानी कि एक तो हमें जेड इक्वल टू वन पे रेजिडू फाइंड करना और एक हमें जेड इक्वल टू माइनस वन पे। अब देखो, माइनस वन इस सर्कल के अंदर लाई नहीं करता है, और हम जानते हैं कि अगर सर्कल के अंदर वो पॉइंट नहीं होता है तो अगर वो सर्कल के बाहर है तो उस कंडीशन में जो रेजिड्यू होगा जेड इक्वल टू माइनस वन पे, क्योंकि माइनस वन तो यहाँ आएगा और ये सर्कल के अंदर नहीं है, बाहर है, इसलिए जेड इक्वल टू माइनस वन पे तो रेजिड्यू जीरो हो जाएगा। तो यानी ये वाला टर्म, तो रेजिड्यू इसका तो इंटीग्रेशन जीरो हो गया, तो बचा कौन सा, क्योंकि इस पे रेजिड्यू जीरो, तो ये इंटीग्रेशन जीरो, तो सिर्फ इस पे रेजिड्यू फाइंड करना है और वही वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो ये तो जीरो हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, टू पाई आयोटा इंटू इस वैल्यू पे जेड इक्वल टू वन पे रेजिड्यू क्या जाएगा, जेड माइनस वन इंटू ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो ई की पावर जेड जेड इक्वल टू वन पुट कर देंगे तो ई की पावर वन, और यहाँ से टू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पाई आयोटा इंटू ई की पावर वन। अब हमारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पाई आयोटा इंटू ई की पावर वन, तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट एफ डी टू सी, ये एक डी ओपन डिस्क दी हुई है हमें, मॉड सेट लेस देन वन। तो एफ डी टू सी बी अ नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन पॉसिबली बी सेटिस्फाई बाई एफ। इनमें से कौन सी कंडीशन होगी जो एफ के द्वारा सेटिस्फाई होगी यहाँ से। तो देखो, सबसे पहले तो हमें f ये दिया हुआ है डी टू सी, अ नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन। द नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन आते ही हमारे माइंड में एक तो पिकार्ड थ्योरम का स्टेटमेंट आता है, एक ल्यूवेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आता है। तो ल्यूवेल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि अ नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन मस्ट बी अनबाउंडेड, ठीक है, और कॉन्स्टेंट फंक्शन बाउंडेड होता है। तो यहाँ से ये नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन, इसका मतलब ये f जो होगा वो अनबाउंडेड होगा। अब अगर हम हमारे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखें तो ये बाउंडेडनेस की कंडीशन को शो कर रहे हैं। ये देखिए, इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब फंक्शन बाउंडेड है, और फंक्शन इसमें देखें तो टू की पावर माइनस एन से फंक्शन बाउंडेड है। तो इसका मतलब ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन जो होगा वो अनबाउंडेड होगा और ये बाउंडेड को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। फिर फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन को हम आइडेंटिटी थ्योरम से कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी थ्योरम क्या होता है कि जब एफ डी टू सी एक ऐसा फंक्शन डिफाइन होता है, तो अगर हम क्या करें, देखो, अगर हम वन अपॉन एन को जेड कंसिडर करें तो उस कंडीशन में जो एफ वन अपॉन जेड और ये एफ माइनस वन अपॉन जेड, ये दोनों ही उसके इक्वल आने चाहिए जो फंक्शन हमने कंसिडर किया है, और जो वन अपॉन एन है, ये जो हमने वन अपॉन लिया है, तो यानी कि जो एफ जेड है उसका जो लिमिट पॉइंट है वो भी डोमेन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो देखो, अगर हम वन अपॉन एन को जेड कंसिडर करें और वन अपॉन एन का लिमिट पॉइंट क्या होता है, वन अपॉन एन का जीरो, तो जीरो इस डोमेन में बिलोंग करता है इस ओपन डिस्क के अंदर। तो इसका मतलब फंक्शन एफ जेड और जी जेड बराबर हो जाएंगे, मतलब वन अपॉन एन को हमने जेड कंसिडर किया और जी जेड
क्या हो गया यहाँ से नया फंक्शन जी जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो उस कंडीशन में एफ वन अपॉन एन इक्वल टू एफ माइनस वन अपॉन क्या हो जाएंगे जी जेड इक्वल टू जी माइनस जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर हो गया यहाँ से। तब दोनों जो फंक्शन होंगे एफ जेड और जी जेड इक्वल हो जाएंगे। तो ये उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है आइडेंटिटी थ्योरम से, तो उस वजह से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। पार्ट बी से आया क्वेश्चन, तो सेकंड को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हम देखते हैं सेकंड को। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है एफ वन अपॉन एन इक्वल टू एफ माइनस वन अपॉन एन इक्वल टू वन अपॉन टू एन प्लस वन। तो ये दोनों फंक्शन इक्वल आने चाहिए अगर हम वन अपॉन एन की जगह सेट रखें। तो वन अपॉन एन की जगह सेट रखते हैं तो एफ सेट क्या जाएगा सेट अपॉन टू प्लस जेड, एफ माइनस जेड क्या जाएगा माइनस जेड अपॉन टू माइनस जेड। दोनों इक्वल नहीं है और वन अपॉन एन का जो लिमिट पॉइंट है वो डोमेन में बिलोंग कर रहा है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है यहाँ से। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सपोज दैट एफ इज़ अ नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन डिफाइन ओवर सी। एफ क्या है नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन है और सी पे डिफाइन किया हुआ है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, क्योंकि कई बार होता है कि ट्रू के भरोसे हम करेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है फॉल्स बताना है हमें जो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, तो इनमें से बताना है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ एफ इज़ अनबाउंडेड, सेकेंड में दिया हुआ एफ सेंड्स ओपन सेट्स इन टू ओपन सेट्स, मतलब कि एफ जो है वो ओपन सेट को ओपन सेट पर ही मैप करता है। थर्ड में दिया हुआ है देर एग्जिस्ट एन ओपन कनेक्टेड डोमेन यू ऑन विच एफ इज़ नेवर जीरो बट एफ मॉड ऑफ एफ अटेंस इट्स मिनिमम एट सम पॉइंट ऑफ यू। एंड फोर्थ में दिया हुआ है द इमेज ऑफ एफ इज डेंस इन सी। तो देखो सबसे पहले जब भी हम देखें फंक्शन नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तो ल्यूवेल्स थ्योरम से इसको तो हम इतना बता ही सकते हैं कि नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन जो होता है वो अनबाउंडेड होता है और कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है वो बाउंडेड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू है क्योंकि नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन मस्ट बी अनबाउंडेड, किससे ल्यूवेल थ्योरम के स्टेटमेंट से। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है इसका मतलब हमें फॉल्स बताना है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। देन सेकेंड ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है कि ओपन सेट को ओपन सेट पर मैप करता है। अब हम ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट जानते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है अ नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन मैप्स ओपन सेट टू ओपन सेट, ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप करता है। तो ये भी करेक्ट है, ये ट्रू है, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड भी इनकरेक्ट है, यानी फर्स्ट और सेकंड तो इनकरेक्ट हो गए। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन द इमेज ऑफ एफ इज डेंस इन सी, इमेज ऑफ एफ इज डेंस इन सी। तो इसको भी देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम जानते हैं पिकार्ड थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है द रेंज ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन इज सी और सी माइनस एनी पॉइंट जेड वन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन होता है उसकी रेंज या तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होती है या फिर एक पॉइंट को स्किप करती है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें अगर रेंज पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा सी, और अगर रेंज सी माइनस जेड वन हो कोई एक पॉइंट को स्किप करे तो उसका भी लिमिट पॉइंट क्या होगा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है द इमेज ऑफ एफ इज डेंस इन सी, और डेंस का क्या मतलब होता है कि जो इमेज होते हैं उसके लिमिट पॉइंट, इमेज के जो लिमिट पॉइंट है वो सी में बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ से अगर देखें तो इसकी जो इमेज है तो वो उसका लिमिट पॉइंट क्या पूरा सी है, और इसका भी अगर ये हो इमेज सी माइनस जेड वन तो इसका लिमिट पॉइंट भी सी है, यानी कि जो लिमिट पॉइंट है वो सी में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ द इमेज ऑफ एफ इज डेंस इन सी, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट में हमारा ट्रू हो गया। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यू एक ओपन कनेक्टेड डोमेन है एंड एफ नॉट इक्वल टू जीरो इन यू, देन एफ यू अटेंस इट्स मिनिमम एट सम पॉइंट ऑफ यू। तो देखो अब हम मिनिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। मिनिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल क्या होता है इफ़ एफ इज़ एनालिटिक ऑन डी एंड डस नॉट वैनिश इन डी इट मीन्स दैट एफ सेट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी सेट बिलोंग्स टू डी। सेम यही बात यहाँ लिखी हुई है ना, यू एक ओपन कनेक्टेड डोमेन है एफ नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स नॉट वैनिश इन यू, देन एफ इज कॉन्स्टेंट बाई मिनिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो देन मिनिमम ऑफ एफ इज नेवर अटेंड डी अनलेस इट इज़ कॉन्स्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ऐसी कंडीशन है तो जो मिनिमम होगा एफ का वो डी के अंदर उस डोमेन के अंदर जब तक अटेंड नहीं करेगा जब तक कि फंक्शन कॉन्स्टेंट ना हो जाए। अगर फंक्शन कॉन्स्टेंट हुआ तभी उस डी के अंदर फंक्शन जो होगा वो अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। तो यहाँ से अगर इसमें लिखा हुआ है कि अटेंड इट्स मिनिमम पॉइंट, तो अगर ये फंक्शन मिनिमम पॉइंट को इस डोमेन के अंदर अटेंड कर रहा है यू के अंदर
तो इसका मतलब फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा बाई मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। और हमारा ऑप्शन में क्या दिया, सॉरी हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फंक्शन नॉन कांस्टेंट एनालिटिक है, तो उस वजह से हमारा ऑप्शन थर्ड जो वो फॉल्स हो गया, और फॉल्स होने की वजह से करेक्ट हो गया। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट, फोर्थ इनकरेक्ट और थर्ड ऑप्शन फॉल्स होने की वजह से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है पार्ट बी से, कंसीडर द मैप फाई सच दैट सी माइनस वन, इसका क्या मतलब है, सी में से वन को हटा के, वन को हटाया गया, तो यहाँ से इस सी माइनस वन से सी के ऊपर फाई साई जेड डिफाइन है, किस तरह से है, वन प्लस जेड अपॉन वन माइनस जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये बताना है हमें। तो देखो फाई हमें किस तरह से डिफाइन है, सी माइनस वन टू सी, और फाई जेड क्या दिया हुआ है, इसमें डिफाइन है सच दैट फाई जेड इक्वल टू वन प्लस जेड अपॉन वन माइनस जेड, तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, इसकी रेंज बतानी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन माइनस जेड इंटू फाई जेड इक्वल टू वन प्लस जेड, इस वन माइनस जेड को इधर ले जाएंगे जब, तो यहाँ से आ गया वन माइनस जेड इंटू फाई जेड इक्वल टू वन प्लस जेड, तो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर जाएगा फाई जेड माइनस जेड इंटू फाई जेड इक्वल टू वन प्लस जेड। फिर क्या करते हैं, ये देखो ये जो फाई जेड है और इधर वन है, इस वन को इधर ले जाएंगे और ये जेड वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, तो आ जाएगा फाई जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस फाई जेड इंटू जेड, तो यहाँ से जेड की क्या वैल्यू आ जाएगी, जेड के टर्म में फंक्शन आ गया ना, फाई जेड प्लस वन अपॉन फाई जेड माइनस वन। अब फाई जेड प्लस वन जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब अगर फाई जेड प्लस वन डजेंट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, फाई जेड इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये अगर इधर आएगा तो ये नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन फोर्थ सीधे सीधे करेक्ट हो गया, क्योंकि रेंज क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से हमारे पास जो रेंज आई वो क्या आ गई, ये माइनस वन, यानी कि सी माइनस वन, ये हमारे पास रेंज मिल गई हमें, तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही दिया हुआ है कि इसकी जो रेंज है, इसकी जो इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, सी माइनस माइनस वन, तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।